हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऋषि द ट्रैवल गुरु चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आसनसोल आने के बाद आसनसोल के लगभग 40 किलोमीटर के अंदर तक आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं जो कि आसनसोल के आसपास में मौजूद है। तो पहला जो जगह है वो है माइथन डैम, जहाँ आप ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ के आसपास ही एक मंदिर भी है, वो बहुत फेमस है, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो एरिया है, नेक्स्ट जो जगह है जहाँ आप जा सकते हैं वो है पंचेत डैम, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो आप वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। जब भी आपको आसनसोल आने का मौका मिले, इन सारी जगह पे विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट जो है वो है बाथानबाड़ी। ये सारी जगह एक दूसरे के आसपास ही है, तो ज़्यादा दूर आपको जाना ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़े। तो आप आसनसोल से लगभग 30 या 40 किलोमीटर के अंदर ही आपको ये सारी जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है स्नेक पार्क, जो कि पंचेत के ही आसपास मौजूद है। वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत रोमांचकर अनुभूति आपको होने वाली है वहाँ पे। और यहाँ पर बहुत तरीके के सांप मौजूद है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है सीताबाड़ी। तो सीताबाड़ी, माइथन डैम, पंचेत डैम, ये सब एक दूसरे के आसपास है, ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है बिहारीनाथ हिल, और बिहारीनाथ हिल के सामने ही है बिहारीनाथ टेम्पल, जो नेक्स्ट है हम लोगों का देखने की जगह। तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप वहाँ ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अगर आप टेम्पल में जाते हैं तो बिहारीनाथ हिल ज़रूर विजिट कीजिएगा, और अगर हिल में जाते हैं तो भी आपको मंदिर में आसानी से आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जगह है वो है गौड़ पंचकोट। ये एक बहुत ही खूबसूरत और एक प्राचीन जगह है, जहाँ पर आपको एक प्राचीन मंदिर भी दिखने को मिलेगा, और एक खूब आपको यहाँ पर जो खूबसूरती है वो आपकी मन मोह ले सकती है, इतनी अच्छी जगह है। तो ज़रूर गौड़ पंचकोट में आइए और यहाँ पर एक दिन ज़रूर रुकिए। यहाँ पर बहुत अच्छे रहने के और खाने के भी बहुत अच्छे बंदोबस्त हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए ज़रूर आइए। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है बारंती लेक, जो कि बहुत अच्छी और खूबसूरत एक जगह है, जहाँ पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये भी आसनसोल के सामने ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सारी जगह जितने भी मैंने प्लेस के नाम बताए सब 40 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और दोस्तों ये लास्ट और जो लास्ट जगह है वो है कि आप देख सकते हैं आसनसोल में, आसनसोल के पास जो बना है एयरपोर्ट, वहाँ विजिट ज़रूर कीजिएगा, जो अंडाल में है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, तो वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आपको एयरपोर्ट देखना है तो। तो दोस्तों ये था आसनसोल के टॉप 10 नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस, और अगर आपको आसनसोल में मौजूद 17 जो टूरिस्ट प्लेस है वो जानना है तो मैंने वो वीडियो डाल रखी है, ज़रूर देख लीजिएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारी वीडियो आप तक।